हाय, मैं मोहित, आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ड्स। तो दोस्तों, आज फाइनली इंडिया में रेडमी नोट 12 4G फोन को लॉन्च कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसी रेडमी नोट 12 4G फोन का प्राइस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखिए, इंडिया में रेडमी नोट 12 4G फोन का 664 वाले वेरियंट का दाम रखा गया है 15,000 रुपए, और इंडिया में 628 वाले वेरियंट का दाम रखा गया है 17,000 रुपए। लेकिन दोस्तों, फर्स्ट सेल में आप लोग यहाँ पर ICICI बैंक का कार्ड यूज करते हो तो आप सभी को और 1,000 रुपए का ऑफ दिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों, फर्स्ट सेल में आप लोग इस फोन को ICICI बैंक का कार्ड लगा के बाय कर सकते हो मात्र 14,000 रुपए में। ऊपर से दोस्तों, आप लोग यहाँ पर Xiaomi फोन को एक्सचेंज करते हो Redmi Note 12 4G फोन के साथ तो आप सभी को और 500 रुपए का एक्स्ट्रा ऑफ दिया जाएगा। और देखिए, 13,000 रुपए में हम सभी को पोको M4 Pro 4G भी मिलता है, और कई बार ये फोन हम सभी को सेल वगैरह में 10,000 या फिर 11,000 रुपए का भी मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आप सभी को कौन सा फोन को बाय करना चाहिए। देखिए, पोको M4 Pro 4G को बाय करना चाहिए या फिर आप सभी को Redmi Note 12 4G फोन को बाय करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं दोनों ही फोन का स्पेक्स के अनुसार कंपैरिजन करने वाला हूँ और आप सभी को अपना ओपिनियन देने वाला हूँ कि आप सभी को दोनों ही मुझसे कौन सा फोन को बाय करना चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप सभी को पूरी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप सभी को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो वहां पर मैं आप सभी को सेल के बारे में यूट्यूब से भी पहले जानकारी देते रहता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बिल्ड और डिजाइन के बारे में। तो देखिए, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि दोनों ही फोन प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है, और आप लोग कोई भी फोन को बाय करते हो तो आप सभी को दोनों ही फोन में बॉक्सी डिजाइन मिलता है। तो दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आप सभी को डिजाइन बेटर किसका लगा, नोट 12 4G का डिजाइन बेटर लगा या फिर आप सभी को डिजाइन पोको M4 Pro 4G का बेटर लगा। वहीं दोस्तों, मैं वेट के बारे में बात करूं तो पोको M4 Pro 4G का वेट निकल के आता है 180 ग्राम, और Redmi Note 12 4G का वेट निकल के आता है 183 ग्राम। मतलब कि जो भी फोन आप लोग बाय करते हो तो आप सभी के लिए दोनों ही फोन लाइट वेट होने वाली है, मतलब कि दोनों ही फोन आप सभी के लिए हल्का होने वाली है। तो आइए दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं डिस्प्ले की। तो देखिए, पोको M4 Pro 4G में हम सभी को देखने को मिलता है 6.43 इंच का फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज का एमोलेड वाला डिस्प्ले प्लस 1000 nits का ब्राइटनेस, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। वहीं दोस्तों, मैं Redmi Note 12 4G का डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो इस फोन में हम सभी को देखने को मिलता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज का एमोलेड वाला डिस्प्ले, 1200 nits का ब्राइटनेस, प्लस इस फोन में भी हम सभी को गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। तो देखिए, अगर आप लोग यहां पर Redmi Note 12 4G फोन को बाय करते हो तो नो डाउट इसमें आप सभी को थोड़ा, हां ज्यादा नहीं, थोड़ा बेटर डिस्प्ले मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, मैं सेल्फी कैमरा के बारे में बात करूं तो हम सभी को पोको M4 Pro 4G में देखने को मिलता है पंच होल के साथ 16MP का सेल्फी कैमरा, जो कि हम सभी को पंच होल के साथ Redmi Note 12 4G में मिलता है 13MP का सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पर सेल्फी कैमरा में ज्यादा आप सभी को कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, मैं रियर कैमरा के बारे में बात करूं तो आप लोग यहाँ पर कोई भी फोन को बाय करोगे तो आप सभी को ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा बैक साइड में। देखिए, अंतर क्या हम सभी को मिलने वाला है, 64MP का हम सभी को मेन कैमरा मिलता है पोको M4 Pro 4G में, और Redmi Note 12 4G में हम सभी को मिलता है 50MP का मेन कैमरा, और बाकी का दोनों ही फोन में हम सभी को 8MP का वाइड एंगल कैमरा मिलता है, और दूसरा कैमरा वही मिलता है 2MP का बेकार कैमरा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर पोको M4 Pro 4G को बाय करते हो कैमरा के लिए तो नो डाउट इसमें आप सभी को थोड़ा सा बेटर कैमरा क्वालिटी मिलने वाला है, क्योंकि इसमें हम सभी को 64MP का कैमरा मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पर मेगापिक्सल पर उतना ज्यादा यकीन नहीं करता हूँ, इसलिए एक बार आप लोग यहाँ पर कैमरा कंपैरिजन वीडियो जरूर देख लेना। मैं बैटरी के बारे में बात करूं तो दोनों ही फोन में हम सभी को मिलता है 5000mAh का बैटरी, 33W का फास्ट चार्जिंग। तो आइए दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ प्रोसेसर की। तो देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर पोको M4 Pro 4G को बाय करोगे तो इसमें आप सभी को मिलेगा मीडियाटेक का G96 प्रोसेसर। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर Redmi Note 12 4G को बाय करोगे तो इसमें आप सभी को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 685 वाला प्रोसेसर। तो अब आप सभी के लिए दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेस्ट होने वाली है? देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर गेम खेलते हो तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप सभी को डेफिनेटली पोको M4 Pro 4G के साथ जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें आप सभी को मिलता है मीडियाटेक का G96 बेटर प्रोसेसर। तो परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए तो आप सभी को यहाँ पर पोको M4 Pro 4G को बाय करना चाहिए। और देखिए, दोनों ही फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, दोनों ही फोन में हम सभी को फेस अनलॉक का सिस्टम मिलता है, UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है दोनों ही फोन में, डुअल स्पीकर के साथ आता है दोनों ही फोन, और दोनों ही फोन में हम सभी को 3 स्लॉट भी देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं कि लास्ट में आप सभी को दोनों ही में से कौन सा फोन को बाय करना चाहिए। देखिए, मेरा सिंपल आंसर है, अगर आप सभी को थोड़ा सा बेटर डिस्प्ले चाहिए तो आप सभी को यहाँ पर Redmi Note 12 4G को बाय करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर सेल का वेट करते हो तो सेल में आप सभी को पोको M4 Pro 4G मिलने वाला है 10 से 11,000 के बीच में। हाँ,
कई बार ये हम सभी को 10,000 रुपए का भी मिलता है, कई बार ये हम सभी को 11,000 रुपए का भी मिलता है। और कई बार दोस्तों सेल में हम सभी को पोको M4 Pro 4G का 628 वाला वेरिएंट 11 या फिर 12,000 रुपए में मिलता है। तो देखिए अभी आप लोग Redmi Note 12 4G का लोअर वेरिएंट भी बाय करते हो तो आप सभी को प्राइस देना पड़ेगा 14,000 रुपए, लेकिन दोस्तों सेल में आप सभी को पोको M4 Pro 4G का 8128 वाले वेरिएंट आप सभी को मिलने वाला है 13,000 से 14,000 रुपए के आसपास। देखिए सेल का वेट करते हो तो सेल में आप सभी को पोको M4 Pro 4G सस्ता मिलने वाला है, और सस्ते के साथ आप सभी को पोको M4 Pro 4G में बेटर प्रोसेसर और बेटर कैमरा मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर Redmi Note 12 4G फोन को बाय करते हो तो इसमें आप सभी को 2 से 3 साल गारंटी अपडेट मिलने वाला है, लेकिन पोको M4 Pro 4G में मुझे नहीं लगता है कि 1 साल से ज्यादा अपडेट मिलने वाला है। तो दोस्तों अब आप सभी का क्या मानना है आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना था, अगर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हाँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।